मम्मी अगर मैं जीवित बचा गनीमत है, मम्मी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है इस हमले में मैं मारा जाऊँ, परिस्थिति सही नहीं है, पता नहीं क्यों मौत को सामने देखते हुए डर नहीं लग रहा है। दंतेवाड़ा का घना जंगल था और नक्सलियों की बंदूकें गोलियां बरसा रही थी। साथी आ गई है, टेंशन मत। डीडी न्यूज के कैमरामैन अच्युतानंद साहू शहीद हो चुके थे, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल शहीद हो चुके थे। सामने 300 नक्सली थे और सुरक्षाकर्मी महज 6 से 7। मंजर क्या था देखिए, ये मंजर न सिर्फ हैरान करेगा बल्कि डर से भर देगा। आतंकवादी हमला हो गया है, हम दंतेवाड़ा में आए थे इलेक्शन कवरेज पर, एक रास्ते से जा रहे थे, आर्मी हमारे साथ थी, अचानक घेर लिया है नक्सलियों ने। मम्मी अगर मैं जीवित बचा गनीमत है, मम्मी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है इस हमले में मैं मारा जाऊँ, परिस्थिति सही नहीं है, पता नहीं क्यों मौत को सामने देखते हुए डर नहीं लग रहा है, बचना मुश्किल है। यहाँ पर 6-7 जवान हैं साथ में, चारों तरफ से घेर लिए हैं। हालात कितने विकट थे वो कैमरा असिस्टेंट की स्थिति देखकर अंदाजा लगाइए। देखिए वो तस्वीरें जब नक्सलियों की बंदूकों से निकलता हुआ बारूद सुरक्षा कर्मियों को शहीद कर देने पर तुला था। ए, उनको बोल जल्दी इधर संपर्क करके भेजेंगे, जल्दी एम्बुलेंस भेजेंगे, एम्बुलेंस जल्दी से एम्बुलेंस। ए, पोजीशन लेके रहना। असिस्टेंट कैमरामैन किसी तरह जमीन में घिसटते हुए झाड़ियों की आड़ में खुद को छिपाए हुए थे, प्यास से व्याकुल। सर पानी है क्या? पानी पानी नहीं है दोस्तों, बेटे पार्टी आ गई है, टेंशन मत। जो माहौल था उसे देखते हुए असिस्टेंट कैमरामैन को कहीं से नहीं लग रहा था कि वो बच सकते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे आधुनिक हथियारों से लैस खूंखार नक्सलियों का जत्था। आतंकवादी हमला हो गया है, हम दंतेवाड़ा में आए थे इलेक्शन कवरेज पर, एक रास्ते से जा रहे थे, आर्मी हमारे साथ थी, अचानक घेर लिया है नक्सलियों ने। मम्मी अगर मैं जीवित बचा गनीमत है। ये वीडियो असिस्टेंट कैमरामैन ने इसलिए शूट किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि अब वो नहीं बचेंगे। उन्होंने वीडियो के जरिए बताना चाहा कि उस वक्त का माहौल क्या है। सामने मौत देखने के बाद वो बता रहे थे कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मम्मी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, हो सकता है इस हमले में मैं मारा जाऊं, परिस्थिति सही नहीं है, पता नहीं क्यों मौत को सामने देखते हुए डर नहीं लग रहा है, बचना मुश्किल है। यहाँ पर 6-7 जवान हैं साथ में, चारों तरफ से घेर लिए हैं। एकाएक हुए भयानक हमले ने दंतेवाड़ा को हिला कर रख दिया था, लेकिन इस नक्सली हमले के पीछे की कहानी और भयानक है।